हमारे साथ हिंदुस्तान की बेहतरीन गायिका हैं वो, जिनको मैं अब आमंत्रित करने वाला हूँ। आने से पहले ही आभार कर देता हूँ कि वो आई हैं। वो कभी एकदम बिल्कुल नीम नीम होती हैं और कभी सख्त सख्त होती हैं, ऐसा उनके गीत में लगता है, लेकिन वो हमेशा जो है वो नीम नीम रहती हैं। जो भी उनसे मिलता है, मिलने के बाद उनको लगता है कि एक बहुत बड़े किरदार के इंसान से आप मिले हैं। आप लोग अंदाजा लगा गए होंगे, मैं आदरणीय मधुश्री जी की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी, बहुत सीखी हुई और बहुत ही मधुर आवाज वाली, जैसा कि उनके नाम में ही मधु है, तो उनकी आवाज में भी वो जो है वो शहद वाली बात है। तो मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय मधुश्री जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने अनेक भाषाओं में गीत गाए हैं, सिर्फ हिंदी में नहीं, बहुत सारी भाषाओं में, और उतनी ही सक्सेसफुली वो सब जगह उनका सम्मान किया जाता है, उनको सम्मान के साथ बुलाया जाता है, बहुत सारे उनको सम्मान मिले हैं। तो मैं सिर्फ नाम भी ले दूं तो यहाँ सब संगीत से जुड़े लोग हैं, सारे लोग जानते हैं। मैं सबसे पहले उनको स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। मधु मैम, बहुत मन से, बहुत दिल हेलो, से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मधु जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। क्या बात है। थैंक यू मधु सो जी, मच। मैं सबसे पहले क्षमा अच्छा चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ा। फिर जी, साहब शुरू करें। सबसे पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ पटेल की तरफ से कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए रफी क्षमा साहब के लिए कीजिएगा। सब कुछ मंजूर है। क्या अरे बात, ये बाप रे, रफी साहब के लिए थैंक यू सब कुछ सो है। मच अंकित। बस जी ये जी दैट इज बहुत व्हाट आई बहुत वांट टू शुक्रिया से आपका। कि आप थैंक यू, आए, आप बहुत आए। बहुत 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 बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। जी। मैं ये मधु कहना मैम, मैं जरूर चाहूंगी, चाहूंगा कि उनके बारे में कुछ कहें। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, मैं आई एम ए बिग फैन ऑफ रफी साहब। मेरे हिसाब, मतलब मैं ये मानती हूँ रफी साहब अल्टीमेट सिंगर है, बहुत ही बेहतरीन सिंगर। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतना वर्सेटाइल सिंगर, हर स्टाइल का गाना उन्होंने गाया है। मैं उनको सुन सुन के क्या अपनी आवाज को बरकरार रखती हूँ। बात, क्या बात और मतलब आई थिंक मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, पूरी दुनिया उनकी फैन है। जी जी और हर सिंगर उनको सुन के सीखते हैं। एक होता है हम सुनते हैं, और एक होता है हम सुन के उनको सीखते हैं। हर सिंगर उनको सीखते हैं क्योंकि हर स्टाइल में उन्होंने गाया। और मेरा कुछ अलग ही मामला है क्योंकि बचपन से मैं गाती हूँ, और आई एम कमिंग फ्रॉम म्यूजिकल फैमिली। और मैं बहुत नकल करती थी, 5 6 साल से अच्छा मैं स्टेज प्रोग्राम करती हूँ और बहुत नकल करती थी। फीमेल सॉन्ग सुनती थी, फीमेल आवाज को नकल करती थी। और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं किसी को नकल करूँ, वो चाहती थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ। तो उन्होंने एक तरकीब निकाले थे और उन्होंने कहा मेल सॉन्ग, हेमंत दा, किशोर कुमार, रफी साहब, इनके गाना सुनाते थे और कहे ये गाना तुम गाओ। तो मैं सुनती थी, अच्छा और इतनी छोटी थी उस टाइम में, तो गाने के समझ नहीं था ना कौन कितना अच्छा गाते, क्या गाना होता है, जस्ट बिल्कुल कॉपी करती थी। लेकिन वो करते 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 रफी साहब के आवाज से मुझे इतना प्यार हो गया है। और बाद में जो मुझे संगीत समझ हुई, मतलब जब मैं गाना सीखा तो पता बिल्कुल चला व्हाट इज सिंगर ही इज। क्लासिकल के पूरे तैयारी जो है, जो मेड हम कहते हैं, बिकॉज बेसिकली आई एम ए क्लासिकल सिंगर। बाद में अभी मैं प्लेबैक करती हूँ, लेकिन क्लासिकल में जो मेड है, कर्ण है, जो ड्रामा है, वो उन्होंने इतना अच्छा से इस्तेमाल किया प्लेबैक में। जी, कभी बिल्कुल बिल्कुल। खुद पे कभी क्या हालात पे, जो मेड है, बात है, न क्या बात है, जा क्या बात, कहीं अब न जा, ये जो मेड है, क्या ये बात है। कमाल की बात है। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब मैं तो ये सब सिंगर को ये कहना चाहूंगी, जब रफी साहब को सुनिए तो आप सीख जाएंगे म्यूजिक, संगीत क्या है। बेशक जो बेशक मेड उन्होंने लगाया, जो कर्ण उन्होंने लगाया, और फिर ना सिर्फ रोमांटिक गाना, उन्होंने जो सैड सॉन्ग गाया, उन्होंने जो क्लासिकल गाया, मन वाह वाह, करबद बिल्कुल हरि दर्शन, फिर वाह वाह, उन्होंने जो आइटम सॉन्ग गाया, जो क्या ड्रामा उन्होंने किया, तेल मालिश से लेके, एक सिंगर बात है, इस तरह वाह से वाह, भी गा सकते हैं। बेशक बेशक, क्या बात है, और वाह वाह। मैं बहुत पसंद करती हूँ, और हर प्रोग्राम में
अपने गाने के बाद मैं रफी साहब के दो तीन गाना गाती हूँ, खास करके तुम मुझे मिल गए हो, दैट इज अल्टीमेट सॉन्ग फॉर मी. वेरी नाइस, और उन्होंने जिस तरह से निभाया, क्या बात है, बहुत जी, अच्छा जी, जी. बहुत अच्छा. मतलब हर सिंगर का एक लिमिटेशन होता है, कोई बहुत अच्छा गाते हैं, कोई आइटम सॉन्ग में अच्छा है, कोई मेलोडियस सॉन्ग में अच्छा है, कोई सैड सॉन्ग में अच्छा है, बट रफी साहब एक ऐसे इंसान है, ऐसे शख्सियत है, हर स्टाइल में उन्होंने उन्होंने दिखाया. जो एब्सोल्युटली जी जी बिल्कुल सही कहा जी. इससे पहले कि मैं आपका गाने के लिए आभार करूं, मैं अपने तमाम मित्रों को यहाँ एक बात बता देना चाहता हूं, जो लाइन से बाहर के लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, कि जितने भी बड़े सिंगर्स हैं उन सबको जिस जिस जो सुविधाओं में, जिस बड़ी माइक और स्टूडियो में गाने की आदत होती है, उनको इस मोबाइल पर गाने के लिए गुजारिश करना वाकई एक ऐसा काम है जो सिंगर्स नहीं करना चाहते. ये सब रफी साहब के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति लोगों का लगाव है और विनम्रता है हमारे उन तमाम सिंगर्स की, मधु जी की, जो लोग यहाँ पर आकर गा रहे हैं. मैम इसके लिए अलग से आपका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ रफी साहब. मुझे, मैं जब बॉम्बे आई थी शुरू शुरू में, मुझे, मैं सपना देखती थी कि रफी साहब मेरे सपने में मुझे गाना सिखा रहे, तो मैं उनके कब्रिस्तान पे गई थी और वहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सुकून मिले, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया. क्या बात, मतलब क्या बात, मैं इतना अटैच्ड हूँ, मैं सबको पसंद करती हूँ. मैं वेरी बिग फैन ऑफ लता जी, वेरी बिग फैन आशा जी, किशोर कुमार सबको, लेकिन रफी साहब इज वेरी स्पेशल फॉर मी. उन्होंने ये कहा कि जिस तरह अकबर साहब के दरबार में नौ रत्न थे, नौ रत्न की अपनी खूबियां थी, नौ रत्न वो कमाल थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन शहंशाह एक ही थे, वो थे अकबर साहब. तो उन्होंने कहा कि रफी साहब के सामने हम ये मानते हैं कि हम बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन शहंशाह एक ही थे, वो रफी साहब. बहुत मन से, बहुत दिल से, पूरे पटल की तरफ से, मोहम्मद रफी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ. आपने समय दिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, थैंक यू सो मच, और कुछ बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आदरणीय फिरदौस आपा ने आपके लिए अलग से स्पेशल धन्यवाद आपके लिए उन्होंने कहा है, फिरदौस आपा ने सभी के लिए कहा है, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं है, उनका भी धन्यवाद स्वीकार करें और आभार में बहुत जल्द बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच आंटी, और अपने, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू.